आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू लाइफ ऑर्गेनिक्स वर्मी कंपोस्ट पे। देखिए, ये जो 18 बेड्स जो हमने बनाया था, जिसमें हम लोग ने दो दिन पहले 3 जीवाणु डाल चुके हैं हम लोग। अब क्या है कि देखिए, अब जो पाउडर हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो 3 जीवाणु हम लोग डालते हैं। उसके बाद हम लोग जो फावड़े लगाने के बाद काट लगाते हैं, उसके बाद वापस से इस शेप में करने के बाद हल्का सा पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। अब देखिए, 2 दिन हो चुका, ये गोबर बिल्कुल ठंडा है। अब देखिए कैसे, अब दूसरे बेड से देखिए हम लोग केचुए इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो बेड है हमारे, इसमें से हम लोग ने 3 उतार ले चुके हैं हम लोग। अब ये लास्ट जो 2 से 3 इंच की जो लेयर बची है, देखिए इसमें सिर्फ केचुआ है। अब देखिए इस तरह से, देखिए हम लोग जो प्लास्टिक कैरेट जिसमें केचुआ जाता है, देखिए इस तरह से हम लोग इसमें डाल रहे हैं केचुआ। टेढ़ा घुमा घुमा के डाला करो। हाँ, घुमाओ। हाँ, पलटो पलट तोड़ दो इसको, तो तोड़ो। देखिए देखिए जो लास्ट लेयर, देखिए इसमें देखिए केचुए की देखिए मात्रा कितनी होती है। अब इस बेड का आधा जो केचुआ है हम लोग शिफ्ट कर देंगे अपने जो नए हमारे 18 बेड्स बने हैं उसमें। चलिए भी आपको आगे दिखाएंगे, बने रहिए। अब देखिए फाइनल केचुआ जो हम लोग बेड पर डालेंगे, उसके पहले हम लोग करते क्या हैं कि बेड्स पे कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा देखिए केचुआ जो है डाल के छोड़ेंगे, और ये देखेंगे कि 5 मिनट में या क्या ये केचुआ बेड में जा रहा है कि नहीं। अगर चल जाएगा और 10 मिनट तक ये नहीं आएगा बाहर, तो इसका मतलब गोबर परफेक्ट है केचुआ को ट्रांसफ़र करने के लिए। डालते जाओ। देखिए ऐसे ऐसे करके हम लोग केचुए देखिए कहीं कहीं पे डाल दिए हैं। अब हम लोग को वेट करना है 5 मिनट का। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए अब 10 मिनट हो गया, अब केचुए जो हम लोग ने डाला था, देखिए वो देखिए वापस नहीं आए, कहीं बाहर नहीं आए। अब ये एकदम सही टेम्परेचर है गोबर का कि इसमें अब हम लोग केचुआ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए केचुआ ट्रांसफ़र देखिए आपको दिखाते किस जगह से हम लोग करते हैं। अब देखिए किस ढंग से, देखिए हम लोग जो केचुए हैं जो हम लोग ने दूसरे बेड से हटाए हैं, इसमें हम लोग देखिए किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बस इनका गुच्छा नहीं लगना चाहिए एक जगह, क्योंकि ठंड का मौसम है और धूप भी नहीं है, तभी भी देखिए ये 5 से 10 मिनट में बेड्स के अंदर चले जाएंगे। मैंने लाइट पसंद नहीं है। किस क्वांटिटी में देखिए केचुए, एक छोटे से बंच में देखिए कितने केचुए हैं। आ रहे कि आगे के जो बेड्स हैं इसमें देखिए केचुए जा चुके हैं। अब सारे केचुए देखिए, एक भी केचुए देखिए आपको बेड्स पे नहीं नजर आएंगे। देखिए ये सब देखिए सब गोबर के अंदर लेके जा चुके हैं। देखिए देखिए अब ये सब सब देखिए सब गोबर के अंदर देखिए। अब इसी ढंग से देखिए लास्ट के जो 6 बेड बचे हैं, इसमें इसी ढंग से हम लोग केचुए ट्रांसफर करेंगे। और ये ग्रेनेट जो है, इसी ग्रेनेट से ढकने के बाद जो पराली है उससे हम लोग ढक देंगे इसे। उसके बाद यानी पहले हम लोग ग्रेनेट रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग पराली रखते हैं। उससे होता क्या है कि जब बीच में जब ग्रेनेट का एक लेयर आ जाता है ना, तो क्योंकि पराली भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो भी हम लोग 2 महीने 2.5 महीने जो बेड से पानी देते हैं,
वो भी उसमें सड़ती है, गलती है, टूटती है। और अगर ग्रेनेट नहीं रहेगा तो पराली के टुकड़े आपके खाद में आएंगे, जिसके वजह से आपकी खाद की क्वालिटी थोड़ी ख़राब दिखती है, क्योंकि पराली भी है ऑर्गेनिक मैटर, वो भी जाएगी मिट्टी में, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो जैविक कार्बन है उसका रेशियो बढ़ाती है। लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पे बेचने के लिए कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी दिखनी चाहिए, जिसके वजह से देखिए हम लोग एक लेयर बीच में ग्रेनेट कर रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग पराली रखते हैं। उसके बाद पानी का हल्का छिड़काव कर दिया जाता है, क्योंकि मौसम देखिए, मौसम तो अभी ठंड के मौसम चल रही है, तो इसमें अभी बेड्स में ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर 4 से 5 दिन के बीच में अगर मॉइस्चर चेक करेंगे बेड्स पे, अगर मॉइस्चर प्रॉपर है तो हम लोग बेड्स पे पानी नहीं देते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।